कभी मैं चला जा रहा हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी का सीन ये है कि आज है 8 अगस्त और मेरा बर्थडे भी है आज, तो जिसने विश किया मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अभी का सीन ये है कि अभी जाना, आज है मुझे कॉलेज का पहला दिन और आज है बर्थडे भी मेरा। सो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं अभी उठा, मेरे रूम की हालत देख सकते हो आप, पूरी ख़राब। अभी जाना है मुझे कॉलेज, पहले मैं करता हूँ फेस वॉश, उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म भी पहननी है, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। वैसे आप घर भी आया आज, उसे नहीं जाना है कॉलेज, मुझे जाना है, और दानिश भी आ रहा है, शायद दानिश जाता है, वहीं देखते हैं अब। हाँ जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करने वाला हूँ एक जबरदस्त परफ्यूम के बारे में, जिसका नाम है न्यूड लग्जरी परफ्यूम क्राफ्टेड फॉर मेन। तो गाइस, आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे कॉलेज हो, बर्थडे पार्टीज हो, मुझे बस एक ही कॉम्प्लीमेंट मिलता है, भाई तू कौन सा परफ्यूम यूज करता है। तो मेरी उस खुशबू का राज है न्यूड लग्जरी परफ्यूम्स फॉर मेन एंड गाइज। ट्रस्ट मी गाइस, इससे ज्यादा सुपर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मैंने आज तक यूज नहीं किया। गाइस, मैं ये परफ्यूम पिछले एक महीने से ट्राई कर रहा हूँ, सीरियसली मुझे इस परफ्यूम की एडिक्शन लग गई। एंड हाँ दोस्तों, इस परफ्यूम में आपको देखने को मिलेंगे 6 डिफरेंट फ्रेग्रेंस। एंड ये परफ्यूम बना है सीपी टेक्नोलॉजी से, जिससे परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग रहता है, 8 आवर्स तक इसकी फ्रेग्रेंस रह जाती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा क्लासी है, इसमें आपको देखने को मिलेगी 6 क्यूट सी बोटल्स जो कि 10 ml की है। एंड हाँ, ये सारी बोटल डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस में आती है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वुल्फ, इमोर्टल, रेबल, ओपीएम, सीड्यूसर एंड अथॉरिटी। एंड प्राइस भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इट्स जस्ट 599। आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा अच्छा परफ्यूम कहीं पर आपको मिलेगा और इस प्राइस पॉइंट। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जल्दी से जाओ और परचेज करो इस प्रोडक्ट को। सो फाइनली मैं भी रेडी हो गया और दानिश भी आ गया, अभी जा रहे हैं हम कॉलेज। लेकिन एक मसला हो गया, मौसम खराब है, सुबह बारिश हो रही थी, अभी मौसम खराब है, अभी नहीं पता और होगी बारिश या नहीं। सो ये रही यूनिफॉर्म, रूल था ये वाला पैंट, ग्रे वाला, स्टील ग्रे पैंट पहनने का, लेकिन मैंने ब्लैक पहना। अभी देखते हैं, अगर एलो किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं, चलेगा। अभी मिलते हैं हम आपसे डायरेक्ट कॉलेज में, देखते हैं वहाँ पर कैसे रहता है। अभी मैं उठाता हूँ बैग, अभी मैंने बुक्स वगैरह नहीं लाई है, अभी मुझे नहीं पता है मुझे पढ़ना क्या है वहाँ पर। सो मिलते हैं वहीं। अभी चलते हैं धनिश सब मजे से। गाइस लिटरली मुझे नहीं पता मुझे क्या पढ़ना है, ये मुझे ले जा रहा है, जहाँ ये ले जाएगा वहीं मैं चला जा रहा हूँ। क्लास कच क्लास कच क्लास सी के डिपार्टमेंट ऑफ नक्श निकारी, देखो क्या किया दीवार। सो अभी एक क्लास हो गई है, अभी मैं आया था रोल नंबर लेने आईडी सेक्शन में, रोल नंबर भी लिया, अभी जाना है मुझे सब्जेक्ट्स कुछ पकड़ने, अभी मुझे नहीं पता था अंशी ले जा रहे हैं। इसको देखो सुन, हुआ रहा कल आशा विवाक हुका हुआ कर सो सब्जेक्ट रखने ठीक। गेस करो हम कॉलेज क्या करने आते होंगे। देखो क्लास कैसे तुतली है, क्लास बता रहे सर बीमार हो गया इसीलिए, अभी मैं एक ही दिन आया, सर हो गया बीमार, पहले ही दिन ही होना था। सो फाइनली मैं आ गया घर, तो बहुत ज़्यादा थक गए वहाँ पर, वहाँ पर कुछ मज़ा खास नहीं आया, बिकॉज वहाँ पर अभी बच्चे भी नहीं ज़्यादा आ रहे और फ्रेंडशिप वगैरह भी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अभी मैंने खाना भी खाया नीचे, इसलिए मैंने टाइम भी निकाल के रखी है, गर्मी हो गई थी, अभी मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या सीरियस है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, बाय बाय। हाँ जी, तो गाइस आज है इस व्लॉग का डे 2। कल मैंने ये व्लॉग फिर आगे शूट नहीं करा था, मैंने फिर थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट किया था घर फैमिली के साथ ही, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। और मुहर्रम भी है, फिर आप लोग बताते आपने ऐसे सेलिब्रेट किया वगैरह, कुछ खास ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, बस एक केक कटा, उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो आज आया राहुल साहब भी यहाँ, राहुल साहब भी घर पे बोर हो रहे थे, मैं भी हो रहा था, उसको मैंने बताया चल आ जा, और उसी के साथ ये पार्सल भी पहुँच गया। ये नहीं अभी दिखा, कोई प्रॉब्लम या इस वीडियो में दिखेगा या तो नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा, तो अभी देखते हैं क्या रहता है सीन आगे का। ये चीज कर रहे हैं हम कल से निकलने की ट्राई, लेकिन निकल नहीं रहे, पता नहीं जम गया पूरा। देखो बर्फ की रेड में कोड़ी क्या कोड़ तथे से फिर रियाला किलो मुश्किल को आप इसी किसी सूची होता है और की बांध कर।
तो ये लोग ये कल से ट्राई कर रहे थे, मैंने एक ही बार ट्राई कर लिया और हो गया। खैर ये छोड़ो ये बात, आज मैं कॉलेज नहीं गया बिकॉज मेरा मूड नहीं था जाने का और आज मौसम भी ठीक नहीं था। सो अभी जाना है मुझे बैंक पे, मुझे बैंक पे थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा नहीं है बहुत सारा काम है, एक दो दिन का काम है, लेकिन मैं जितना हो सके आज उतना करूँगा। मुझे नहीं पता है पूरा करना क्या, मैं मम्मा से पहले पूछूंगा, अबरार भी अगर आया साथ तो आया वरना मैं अकेले चले जाऊँगा। उसके बाद मुझे बैग भी लाने जाना है लाल चौक, देखते हैं क्या रहता है सीन। फिलहाल मैं लगाता हूँ कपड़े, उसके बाद जाते हैं। और हाँ एक बात, बहुत सारे लोग बता रहे थे बहुत टाइम से होम टूर, तो मैंने उनको बताया था 10K कर दो होम टूर मिल जाएगा, तो अभी 10K में कुछ ही टाइम बचा है, कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं, तो जल्दी से 10K कर दो होम टूर मिल जाएगा आपको। थैंक यू। देखो स्कूटी को किस काम में रखा है, कपड़े सुखाने के लिए रखा है इसको, कोई मसला नहीं। जब बोला फोटो उठाने के लिए, मैंने कौन सा फोटो दिया, जरा फोटो एक निकाल पास। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, आपको कॉल आ जाएगा जब आपका काम अप्रूव हो जाएगा। सो अभी जाना है मुझे बैग लाने, पापा ने लाया था बैग एक, मगर वो उसे लाया था स्कूल बच्चे का बैग, वो नहीं लगता मुझे। तो अभी जाना है, अबरार भी आया, अबरार भाई हाय कर दे। Hello guys, what's up? Don't forget like, share and subscribe. अब भी आ गया, अभी जाते हैं हम लाल चौक, लेकिन मौसम खराब है, लेकिन हम स्टिल जाएंगे और देखते हैं क्या। एक तो मुझे लाना है बैग और एक बेल्ट लाना है, और अगर शूज वगैरह मिला तो लाएंगे। ठीक है बाय। अनी बैग जी असल हशी बिंद्री बैग सलाम। मुझे ये वाला बैग आया था पसंद, ये वाला, लेकिन ये ब्लैक में नहीं मिल रहा है, ये वाला लड़कियों वाला लग रहा है, इसमें ये वाला कलर है दूसरा। हो गई हमारी 500 की शॉपिंग कम्प्लीट, 500 हम सीधे बताते हैं, अब मैं बताता 5000 का बैग है, नहीं 500 रुपए में लाया बैग, 500 का लाया बैग, 200 का लाया बेल्ट, बस इतना, इतनी शॉपिंग की मैंने आज। ठीक है अभी जाते हैं हम किसी जगह रील्स बनाने, कहाँ जाए बोझ बने पोज बोझ रूबो सर मैं तो पालो। हाँ तो गाइस रील्स भी बना ली हमने, क्या सर भाई सच में बताओ रील्स कैसी बनी? बोझ बने पोज बोझ सर रूबो सर मैं तो पालो। नहीं सीरियस रील्स कैसी बनी? शुक्र खुदा सुन असल बने मैं, सॉरी अच्छी उठाई, कैमरामैन अच्छा था, सॉरी जिससे कसा मैं कर नहीं। अब इन शॉर्ट बोलने का मकसद ये है कि जिसको देखने है रील्स, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है यहाँ पर, आप देख लो फॉलो कर लो और रील्स भी देख लो, अगर पसंद आई तो फॉलो भी कर देना। ठीक है कर लो, बाय बाय। अभी चलते हैं घर, घर पे ही मिलता है आपसे। सो गाइस आ गया मैं घर और यहाँ पर मैं कुछ अलग ही सीन देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ तैयारी हो रही है, क्या बनना है? बिरयानी, मटन बिरयानी, मटन बिरयानी की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और मुझे बता दही लाने जाओ, मैंने ये बैग लाया ये वाला और ये बेल्ट, ये है मेरे की शॉपिंग आज की। ठीक है हाँ तो कर लिया सारा काम कंप्लीट, नीचे बन रही है मटन बिरयानी, वो बाद में खाते हैं। ठीक है फिलहाल पीते हैं ये चाय और इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।